मेरी तरफ से सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। यूं तो समाज में रात देर तक जागते रहने और सुबह देर तक सोने वालों को लापरवाह और लेजी समझा जाता है, लेकिन आज मैं आपको कुछ और ही बताऊंगा। आज आप ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि नामुकम्मल और अधूरी मालूमात शायद आपको मिसलीड कर दे। आज मैं आपको रात देर तक जागते रहने और सुबह देर तक सोने वाले और जल्दी सोने और सुबह सवेरे उठने वाले लोगों की जाती सलाहियत, सेहत और उनकी जिंदगी में क्या फर्क होता है ये बताऊंगा, और साथ ही सुबह जल्दी कैसे उठा जा सकता है, इसके फायदे क्या है, सुबह जल्दी न उठने के नुकसान क्या है। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं और उसके फायदे जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें, और यकीन माने ये वीडियो देखकर आप अपने सोने और उठने के टाइम पर जरूर ध्यान देंगे। रात देर तक जागते रहने और सुबह देर से उठने की खराब आदत अब हमारी तर्ज जिंदगी का एक आम सा हिस्सा बन चुकी है, और हम कभी ये जानने की जहमत भी नहीं करते कि ये बुरी आदत हमें क्या नुकसान पहुँचा रही है, या फिर इस आदत से छुटकारा हासिल करके हम कितने बड़े अनमोल फायदे हासिल कर सकते हैं। सबसे अहम बात तो ये है कि अगर आप सिर्फ तरकीबें और तरीके तलाश करना चाहते हैं तो YouTube पर एक नहीं हजारों तरीके मौजूद हैं, लिहाजा YouTube पर सर्च करें और इस हवाले से टिप्स देखते जाएं, और अगर कुछ अमल करना है तो सिर्फ एक बात ही काफी है, लिहाजा जो बातें बयान की जा रही हैं इस पर अमल की जरूरत है, वरना इस हवाले से मालूमात की एक दुनिया भरी पड़ी है। सबसे पहली बात, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो आपको रात को जल्दी सोना होगा ताकि आपकी नींद पूरी हो और आप सुबह जल्दी उठ सकें। अल्लाह ताला ने हम सब के दिमाग में एक क्लिंडर रखा है जिसे पाइनियल क्लिंडर कहा जाता है। इसे इंसानी जिस्म का बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, और ये हमारी बसरी और एहसाब से जुड़ा हुआ होता है। ये इतना छोटा होता है जितना कि एक मटर का दाना। हर रोज इशा के बाद ये क्लिंडर एक मादा तैयार करना शुरू कर देता है जिसे मेलाटोनिन कहा जाता है, जो खून की नालियों में बहता है और जिस्म को कैंसर से बचाता है। ये सिर्फ अंधेरे में काम करता है, और जब तक हमारी आंखों को रोशनी मिलती रहती है ये काम नहीं करता, क्योंकि इसे लगता है कि अभी रात नहीं हुई। फिर अगर आप रात को भी रोशनी में रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद को कुदरती वैक्सीन से महरूम कर रहे हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, हमने रात के आसार खत्म किए और रोशन दिन बनाया। बदकिस्मती से हमने आजकल रात के आसार को दिन की निस्बत ज्यादा देदनी कर दिया है कि हम रात भर जागते हैं और सारा दिन सोते हैं, और कैंसर के खिलाफ इस कुदरती वैक्सीन से महरूम रह जाते हैं। रात को इसलिए भी जल्दी सो जाएं क्योंकि अंधेरा फैलने के बाद आपका जिस्म अपनी मरम्मत का काम करना शुरू कर देता है। आपने दिन भर में जो कुछ खाया पिया होता है, काम करके जिस्म को जो थकान मिली होती है और अंदर तोड़फोड़ हुई होती है, इसकी मरम्मत रात के वक्त होती है। आप चाहे कितने ही विटामिन्स और मैदनियात इस्तेमाल करें, लेकिन ये मरम्मत फिर भी जरूरी है। रात भर मरम्मत के बाद सुबह आपके जिस्म में नए हार्मोन्स और खलिये बनते हैं जो आपको अगले दिन के कामों और मकासद को पूरा करने के लिए तैयार करते हैं। इसलिए रात को जल्दी सोया करें। रात को किस वक्त सोना जरूरी है, इससे अहम ये है कि आप सुबह किस वक्त उठना चाहते हैं। सोने के बरक्स उठने का वक्त मुकर्रर कर लें और रोज सुबह उसी वक्त उठें। आप सवेरे उठेंगे तो रात को नींद भी जल्दी आ जाया करेगी। रात को जल्दी सोने से नींद का दौरानिया भी दुरुस्त रहता है और आप सुबह हशाश बशाश उठते हैं। सुबह जल्दी उठने के लिए दोपहर को थोड़ी देर आराम की आदत डालें। दोपहर को आधे से डेढ़ घंटे तक जरूर आराम कीजिए। दोपहर को आराम करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और सलफ सालहीन का भी अमल रहा है। अफसोस कि इस सुन्नत को आज हम तकरीबन छोड़ चुके हैं, सवाय मदारस के इस सुन्नत पर अमल कहीं नजर नहीं आ रहा। सुबह जल्दी उठने में किसी की मदद हासिल करें। अगर आपसे सुबह जल्दी नहीं उठा जा रहा तो अपने किसी करीबी दोस्त, रिश्तेदार, माँ बाप या बेगम साहिबा को आपको सुबह उठाने का कहें, और अगर आप उनसे पहले उठ जाएं तो इन्हें भी नमाज फजर के लिए उठाइए और अपनी नमाज के साथ साथ उनकी नमाज का भी अजर हासिल कीजिए। सुबह जल्दी उठने के लिए आप अलार्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल मोबाइल फोन तो हर किसी के पास है, लिहाजा सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म से भी मदद ली जा सकती है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि सुबह जल्दी उठने के क्या फायदे हैं। सुबह जल्दी उठने के बहुत से फायदे हैं, और वाकईतन सुबह के औकात में बड़ी बरकत होती है। हर काम ढंग से होने लगता है, कम वक्त में ज्यादा काम होने लगता है, कोई काम करते हुए थकान और बोरियत भी महसूस नहीं होती। यकीन न आए तो तजुर्बा करके देख लें। सुबह जल्दी उठना आपके दिमाग की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है।
जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपका दिमाग परेशानियों से आज़ाद होता है और आप फ्रेश उठते हैं। सुबह का वक्त कोई भी दिमाग का काम करने के लिए बहुत बहुत मुफीद है, जैसे लिखना, पढ़ना, पढ़ाना वगैरह, क्योंकि उस वक्त आप ताज़ा दम होते हैं और याददाश्त भी बेहतर होती है। सुबह जल्दी उठने से चूंकि आपका दिमाग फ्रेश होता है, इसलिए आप मेहनत से कोई भी काम करने को तैयार होते हैं। नए सुबह जल्दी उठना, फैसले करने, अपने दिन भर के अहदाफ मुकर्रर करने और मनसूबा बंदी करने के लिए भी बेहतरीन है। सुबह जल्दी उठना आपकी जिस्मानी सेहत के लिए भी बेहतरीन है। दिन भर आपकी तबीयत हशाश बशाश रहती है, चेहरा निखरा हुआ होता है, आँखों में चमक होगी, बीनाई पर अच्छे असरात मुरतब होंगे, चेहरा मुरझा हुआ होने के बजाय तरोताज़ा नजर आएगा। चेहरा ताज़ा रहने से आप तवील मुद्दत तक बूढ़े भी नजर नहीं आएंगे, सुस्ती व काहली नहीं होगी। सुबह खेजी आपको कई बीमारियों से भी बचा सकती है। दोस्तों, आप किसी भी कामयाब इंसान की हिस्ट्री पढ़ें तो आपको उसकी जिंदगी में सुबह जल्दी उठने की रूटीन लाजमी मिलेगी। सोते रहने से आज तक कोई तरक्की नहीं कर पाया और न ही उसे कामयाबी मिली। लिहाजा अगर आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठने को अपनी आदत बना लें। सुबह जल्दी उठने का एक फायदा यह भी है कि आप जल्दी सोएंगे और रात भर सेहत अफजा और भरपूर नींद ले सकेंगे। याद रहे, दिन भर आप जितनी भी नींद कर लें, आपको उतना आराम नहीं मिलेगा जितना रात की नींद से आपको सुकून महसूस करेंगे। आइए जान लेते हैं सुबह जल्दी न उठने के नुकसान क्या हैं। दोस्तों, अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो आप रात को जल्दी सो भी नहीं सकेंगे, यूं आपकी नींद की पूरी रूटीन ही डिस्टर्ब होगी। ये भी याद रहे कि रात अल्लाह ताला ने आराम के लिए पैदा फरमाई है और यही फितरत है। आप फितरत के खिलाफ चलेंगे तो नुकसान ही उठाएंगे। सुबह जल्दी न उठने का नुकसान ये भी है कि दिन भर आपकी तबीयत में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस और एक टेंशन सी रहेगी। आप काम भी सही तरह से अंजाम नहीं दे पाते होंगे क्योंकि दिन का बाबरकत हिस्सा आप जाया कर चुके होते हैं। देर से उठने से आपकी याददाश्त भी अच्छी नहीं होगी, जहन पर भी एक बोझ सा महसूस होगा। देर से उठना आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है, चेहरा मुरझा हुआ सा लगता है, तबीयत पर एक बोझ सा महसूस होने लगता है, दिन भर सुस्ती और काहली महसूस होती है, नेज तबीयत में गुस्सा, चिड़चिड़ापन और थकान भी महसूस होने लगती है। दिन में देर से उठने और रात देर तक जागने की वजह से आपके हार्मोन में खराबी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी याददाश्त, हुस्न, बालों और बीनाई में मुनफी असरात मुरतब होते हैं और इसके अलावा आप डिप्रेशन के मरीज भी बन सकते हैं। जिगर के अमराज भी रात को देर तक जागने की वजह से होते हैं, क्योंकि आप वक्त पर सोते नहीं, जिसके बायस जिस्म की मरम्मत नहीं हो पाती और जिगर मुतासर हो जाता है और इसे दोबारा बहाल करना मुश्किल होता है। इसीलिए अपनी जिंदगी में सिर्फ इतनी सी तब्दीली लाएं कि सुबह जल्दी उठें और रात को जल्दी सो जाएं। इस तब्दीली से आप न सिर्फ मुकम्मल तौर पर सेहतमंद रहेंगे बल्कि एक खुश व खुर्रम जिंदगी भी बसर कर सकेंगे। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा कुछ था तो आपने करना है लाइक इस वीडियो को। आप चाहें तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर पसंद आया हो तो शेयर कर ही लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो, साथ में कर देना बेल बटन पर क्लिक ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस न कर पाए, क्योंकि मैं लाने वाला हूँ बहुत सारी वीडियो आपकी हेल्थ के मुतालिक। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगाह।